So good morning everyone. Today we are going to start fourth lecture of matrices and determinant lecture 4. In the previous class we have discussed up to symmetric matrix, skew symmetric matrix, transpose of matrix. Is class mein hum log determinants ke bare mein janenge. So determinant is basically a number defined for every square matrix. Basically determinant hamara ek number hota hai jo ki हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए डिफाइन किया जाता है। अब हम लोग ये जानेंगे कि इस नंबर को हम लोग कैसे निकालते हैं। सो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं फॉर 1x1 मैट्रिक्स। मैं एक चीज आप लोगों को और बता देता हूं कि डिटरमिनेंट को हम लोग डेल्टा के साइन से भी डिनोट करते हैं। So, अगर हमें 1x1 की कोई भी एक मैट्रिक्स दी गई है तो हम उसका डिटरमिनेंट कैसे निकालेंगे। फॉर एग्जाम्पल लेट अस से 1x1 की हमारी मैट्रिक्स है तो इसमें एक ही एलिमेंट होगा a11। अब अगर हमको इसका डिटरमिनेंट पूछा जाए तो इसका डिटरमिनेंट जस्ट सिंपली ये नंबर ही होगा। चलिए अब 2x2 की मैट्रिक्स को डिस्कस कर लेते हैं। और 2x2 मैट्रिक्स, हमें एक 2x2 की मैट्रिक्स दी गई है। 2x2 की मैट्रिक्स है तो उसमें चार एलिमेंट्स होंगे, दो रोज होंगी और दो कॉलम होंगे। सो हमारे एलिमेंट a11, a12, a21 और a22, ये हमारी एक मैट्रिक्स दी गई है A। अब हमसे इसका डिटरमिनेंट पूछा गया है। सो इसका डिटरमिनेंट निकालने के लिए इसका डिटरमिनेंट कुछ इस तरह से डिफाइंड होता है। a11 और a22 जो मेन डायगोनल के एलिमेंट्स होते हैं वो मल्टीप्लाई करे जाते हैं। सो a11 मल्टीप्लाइड बाय a22 एंड माइनस ऑफ जो अदर डायगोनल होता है उसके मल्टीप्लीकेशन करके उससे हम लोग सबट्रैक्ट कर देते हैं। तो a12 माइनस a21, ये 2x2 के मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट होता है। ये हमारा बाई डेफिनेशन है। चलिए एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि हमें क्वेश्चन दिया गया है, हमें एक ए मैट्रिक्स दी गई है, इसके क्या एलिमेंट्स है 1 2 3 4। देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ ए। सो डिटरमिनेंट ऑफ ए विल बी बेसिकली प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स सब्ट्रैक्टेड बाय प्रोडक्ट ऑफ अनदर डायगोनल। सो दिस विल बी इक्वल्स टू 1 × 4 माइनस 2 × 3। दिस विल बी 4 − 6, it will become −2. So the determinant of matrix A is −2. चलिए अब हम लोग जानेंगे कि अगर हमें कोई भी एक जनरल n×n की मैट्रिक्स दी गई है तो हम लोग उसका डिटरमिनेंट कैसे निकालेंगे। उससे पहले दो स्पेशल टर्म्स आते हैं, कोफैक्टर और माइनर। अब हम इन दोनों के बारे में डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे माइनर्स के बारे में। फॉर एग्जांपल अगर हमें एक n×n की मैट्रिक्स दी गई है जिसके की एलिमेंट्स है a11, a12, a13
एंड सो अप टू ए वन एन, ए टू वन, अप टू ए एन वन, एंड सिमिलरली हेयर अप टू ए एन एन. तो माइनर हमारा बेसिकली किसी भी एक एलिमेंट के लिए, हर एलिमेंट का एक माइनर डिफाइंड होता है और उस माइनर की वैल्यू हम लोग कुछ इस तरह से निकालते हैं. सपोज वी हैव, अगर हमें माइनर निकालना है ए वन वन का, तो इसको डिनोट किया जाता है एम वन वन से, मतलब माइनर ऑफ फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट का. सो इसको हम लोग इस तरह से निकालते हैं. हम लोग डिटर्मिनेंट निकालेंगे, यहाँ पे हमें ए वन वन का माइनर निकालना है. तो ए वन वन के माइनर निकालने के लिए हम लोग इस रो को नेग्लेक्ट कर देंगे, इस रो को नेग्लेक्ट कर देंगे और इस कॉलम को नेग्लेक्ट कर देंगे, और इसके अलावा हमारे पास जो भी बचेगा उस रो और कॉलम का हम लोग डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे. हम इसका माइनर फाइंड कर रहे थे, तो ये रो और ये कॉलम को नेग्लेक्ट करके ये जितनी भी हमारे पास मैट्रिक्स बची है, इस मैट्रिक्स का हम लोग डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे. सो बेसिकली माइनर ऑफ ए वन वन होगा ए टू टू, ए टू थ्री, अप टू ए टू एन, एंड सिमिलरली हेयर अप टू ए एन टू, एंड हेयर ए एन एन. इस तरह से हम लोग किसी भी एलिमेंट का माइनर फाइंड करते हैं. चलिए अब हम लोग एक एग्जांपल देख लेते हैं. फॉर एग्जांपल कि हमें एक 3x3 की मैट्रिक्स दी गई है जिसके एलिमेंट्स हैं माइनस वन, जीरो, वन, टू, थ्री, सिक्स, वन, टू एंड माइनस वन. अब हमें इसमें हमसे पूछा गया है माइनर फाइंड करना है फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम एलिमेंट का, एम वन वन फाइंड करना है, एम टू टू फाइंड करना है, एम टू वन फाइंड करना है एंड एम थ्री टू फाइंड करना है. चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कि हम लोग इसको कैसे फाइंड करेंगे. सो बेसिकली एम वन वन फाइंड करने के लिए, सो यहाँ पे ये ए वन वन एलिमेंट का हम लोगों को माइनर फाइंड करना है. सो इसके लिए हम लोग फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम इन दोनों को नेग्लेक्ट कर देंगे. सो हमारे पास बचेगा थ्री, सिक्स, माइनस टू, सॉरी टू एंड माइनस वन. अब इसका हम लोग डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेंगे. सो इसका डिटर्मिनेंट होगा थ्री इंटू माइनस वन प्लस टू इंटू सिक्स, सॉरी माइनस टू इंटू सिक्स. ये हमारा बाय डेफिनेशन आया है. सो दिस विल बी माइनस थ्री एंड माइनस ट्वेल्व, सो माइनस फिफ्टीन. सो माइनर ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स विल बी माइनस फिफ्टीन. सिमिलरली अगर हमें एम टू टू फाइंड करना है, सो इसके लिए हम लोग, हमारा ए टू टू एलिमेंट होगा दिस थ्री. सो इसका माइनर फाइंड करने के लिए हम लोग इसकी रो और इसके कॉलम को नेग्लेक्ट कर देंगे. सो हमारे पास बचेगा माइनस वन, वन, वन एंड माइनस वन. थ्री की हमें थ्री का माइनर फाइंड करना था, तो हम इसकी रो और इसके कॉलम को नेग्लेक्ट कर देंगे. सो बेसिकली हमारे पास ये चार एलिमेंट्स बचे, माइनस वन, वन, वन एंड माइनस वन. अब हम लोग इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे. सो माइनस वन इंटू माइनस वन, माइनस ऑफ वन इंटू वन, दिस विल बी वन माइनस वन, दिस विल बी इक्वल्स टू जीरो. सो माइनर ऑफ ए टू टू विल बी थ्री. अब हम लोग देख लेते हैं कि हमें एम टू वन फाइंड करना है. सो एम टू वन, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ए टू वन हमारा एलिमेंट कौन सा है. सो हम लोग सेकेंड रो में गए एंड सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम हमारा ए टू वन होगा. सो हमें बेसिकली इस एलिमेंट का माइनर फाइंड करना है. सो इस एलिमेंट के माइनर को फाइंड करने के लिए हम लोग सबसे पहले इसकी रो को नेग्लेक्ट करेंगे, सॉरी इसके कॉलम को नेग्लेक्ट किया हम लोगों ने,
और इसकी रो को नेग्लेक्ट किया। अब हमारे पास जो एलिमेंट्स बचे हैं हम उसका डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे। सो बेसिकली यहाँ पे हमारा डिटरमिनेंट आएगा 0, 1, 2 एंड -1। सो इस बाय डिफिनेशन इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करेंगे तो 0 × -1 माइनस टाइम ऑफ 1 × 2, सो दिस विल बी -2। सो माइनर ऑफ a21 विल बी m21। ये तो हमने 3 × 3 का माइनर फाइंड किया। अब जैसे कि आप लोगों ने देखा कि अगर हमें n × n का माइनर फाइंड करना है, अगर हमने n × n की मैट्रिक्स का किसी भी एक एलिमेंट का माइनर फाइंड किया, अगर हम लोग माइनर फाइंड करने जाते हैं तो हमें एक n × n की मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट मिलता है। और फिर अगर हम लोग इसका माइनर फाइंड करें तो हमें n × 2 × n × 2 की एक मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट मिलता है। इसी तरीके से अगर हम लोग रिपीटेडली इस प्रोसेस को फॉलो करते रहें तो हमें लास्ट में 2 × 2 की मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट मिल लेता है। और इसका हमें बाय डेफिनेशन वैल्यू पता है। सो अगर हमें एक n × n की मैट्रिक्स का माइनर फाइंड करना है तो इस प्रोसेस को हम लोग रिपीटेडली फॉलो करेंगे जब तक हमें 2 × 2 की एक मैट्रिक्स नहीं मिल जाती। और जैसे हमें 2 × 2 की एक मैट्रिक्स मिल जाएगी तो हम उसकी वैल्यू देख लेंगे। फॉर एग्जाम्पल अब हम लोग एक 4 × 4 की मैट्रिक्स ले लेते हैं। हमने एक मैट्रिक्स सेलेक्ट कर ली 1, 2, 0, -1, 2, 3, 4, 6, 2, -1, 0, 4, -2, -3, -1 एंड 3। अब हमसे पूछा गया है माइनर ऑफ a22। अगर हमसे पूछा गया है लेट्स से a23 पूछा गया है तो सबसे पहले हम लोग a23 पे जाएंगे। सो बेसिकली ये हमारी फर्स्ट रो है, ये हमारी सेकंड रो है। सो सेकंड रो का थर्ड एलिमेंट दैट इज 4। अब हम लोगों से 4 का माइनर पूछा गया है। सो 4 का माइनर पता करने के लिए हम लोग इसकी कॉलम को नेग्लेक्ट करेंगे और इसके रो को नेग्लेक्ट करेंगे और हमारे पास जो भी एलिमेंट्स बचे हैं हम उनका डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे। सो हमने यहाँ पे 4 का हम लोग माइनर फाइंड कर रहे थे तो इसकी रो और इसके कॉलम को हम लोगों ने नेग्लेक्ट कर दिया। सो बेसिकली हमारे पास बचा 1, 2, -1, 2, -1, 4, -2, -3, 3। अब इस डिटरमिनेंट की जो भी वैल्यू होगी वो हमारा m23 के बराबर होगा। अब ये हमारी एक 3 × 3 की मैट्रिक्स है लेकिन हम लोगों को जो जो डिटरमिनेंट पता है वो 2 × 2 का पता है। सो अब हमारे पास एक चैलेंज आता है कि हम 3 × 3 की मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कैसे निकालेंगे। सो इसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम लोग एक और टर्म देख लेते हैं, कोफैक्टर। सो बेसिकली अगर हमें कोई भी एक n × n की मैट्रिक्स दी गई है सो हमने देखा था कि हमारा माइनस जो होता है वो बेसिकली उस रो और कॉलम को अगर हम लोग हटा दें तो जो हमारा डिटरमिनेंट बचता है उसको हम लोग माइनर कहते हैं। सिमिलरली हमारा कोफैक्टर माइनर से ही डिफाइंड होता है। अगर हम लोग एम आई जे निकाल रहे हैं सो कोफैक्टर को हम लोग सी से डोनेट करते हैं। कोफैक्टर ऑफ आईथ रो एंड जेथ कॉलम विल बी -1 raised to power i + j टाइम्स एम आई जे। ये हमारी कोफैक्टर की डिफिनेशन होती है। जैसे कि अगर हमसे पूछा गया है 1, 2, -1, 0, 2, 1, -1, -2, -3 और हमसे पूछ लिया जाता है कि बताओ कोफैक्टर ऑफ a23 क्या होगा,
सो बेसिकली ए टू थ्री हमारा ये एलिमेंट है, तो सबसे पहले हम लोग इसका माइनर फाइंड कर लेते हैं. सो बेसिकली एम टू थ्री विल बी, ये हमारा ए टू थ्री है, तो इस रो और इस कॉलम को हम लोग नेग्लेक्ट कर देंगे. सो हमारे पास डिटर्मिनेंट बचेगा डिटर्मिनेंट ऑफ वन माइनस टू माइनस वन एंड माइनस टू. दिस विल बी माइनस टू टाइम्स माइनस ऑफ माइनस टू, सो दिस विल बी जीरो. हमारा माइनर ऑफ ए टू थ्री तो हमारा जीरो हो गया. अब हमें को फैक्टर निकालना है. सो को फैक्टर विल बी माइनस वन रेस टू पावर पावर टू प्लस थ्री, दिस टू एंड दिस थ्री विल कम टाइम्स माइनर ऑफ ए टू थ्री. सो दिस विल बी माइनस वन रेस टू पावर फाइव टाइम्स जीरो, दिस विल बी माइनस वन इंटू जीरो, सो इट विल बी जीरो. सो द को फैक्टर ऑफ सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम इज जीरो. इस तरह से हम लोग माइनर और को फैक्टर को फाइंड करते हैं. चलिए, अब हमने यह तो देख लिया कि हम लोग माइनर और को फैक्टर को फाइंड कैसे करेंगे. अब हम लोग इसका यूज देख लेते हैं कि माइनर और को फैक्टर का यूज क्या है. सो बेसिकली अगर हमें डिटर्मिनेंट फाइंड करना है एक n क्रॉस n की मैट्रिक्स का, तो किसी भी n क्रॉस n की मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट होता है वो, लेट्स से हमारे पास एक n क्रॉस n की मैट्रिक्स है a11 a12 अप टू a1n एंड a21 a31 अप टू an1, और इसी तरह से रोज और कॉलम जाएंगे. इसमें n स्क्वायर एलिमेंट्स होंगे. सो बेसिकली हमें एक ए मैट्रिक्स दी गई है जो कि इस तरह से. अब हमें इस ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए. सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए हम लोग कुछ इस तरह से फाइंड करते हैं. हम लोग किसी भी एक रो को ले लेते हैं या किसी भी एक कॉलम को ले लेते हैं. सॉरी फॉर अ सेकेंड. तो हम लोग डिटर्मिनेंट फाइंड कर रहे थे एक n क्रॉस n मैट्रिक्स का. सो यहाँ पे हम लोग किसी भी रो, कोई भी एक रो या किसी भी एक कॉलम को उठा लेते हैं सिंपली, और उसको हम लोग उसके रिस्पेक्टिव को फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमें जो वैल्यू मिलती है उसको हम लोग डिटर्मिनेंट कहते हैं. सो इसको हम लोग इस तरह से डिफाइन करते हैं कि सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम विद देयर रिस्पेक्टिव को फैक्टर्स इज इक्वल टू द डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स. अब फॉर एग्जाम्पल हमें इस ए मैट्रिक्स का ही डिटर्मिनेंट फाइंड करना था. सो हम लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं. हम यहाँ पे कोई भी रो उठा सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल हमने पहली रो पिकअप कर ली, सो a11, देन इसके हम लोग को फैक्टर से मल्टीप्लाई कराएंगे, दैट विल बी c11. देन सेकेंड एलिमेंट हमारा a12 होगा, c12 a1 प्लस a13 c13 एंड अप टू a1n एंड c1n. हम लोग इस तरह से डिटरमिनेंट फाइंड कर सकते हैं, या तो हम लोग ये भी कर सकते हैं a21 c21 प्लस a22 c22 प्लस a23 c23 एंड हम लोग जा सकते हैं a2n c2n तक. इस तरह से हम लोग किसी भी रो को उठा सकते हैं. फॉर एग्जांपल हमने अगर mth रो उठा ली, सो am1 cm1 प्लस am2 cm2
प्लस ए एम थ्री सी एम थ्री अप टू ए एम एन सी सॉरी अप टू हाँ ए एम एन सी एम एन। यह तो हमने रो को उठा के देख लिया। अब यहाँ पे हम लोग किसी भी कॉलम को भी चूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे हमारा फर्स्ट कॉलम ले लिया, सो यहाँ पे हमारा आ जाएगा ए वन वन सी वन वन ए टू वन सी टू वन ए थ्री वन सी थ्री वन अप टू ए एन वन एंड सी एन वन। सो बेसिकली हम किसी भी रो या किसी भी कॉलम को अगर उठा के उसके को फैक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई करा के उसका उनका सम ले लें तो हमें उस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट मिल जाता है। इसको जनरलाइज तरह से हम लोग कॉलम के लिए भी डिफाइन कर सकते हैं कि ए वन एम सी वन एम ए टू एम सी टू एम अप टू ए एन एम सी एन एम। सो इस तरह से हम लोग डिटरमिनेंट फाइंड करते हैं। चलिए अब एक थ्री क्रॉस थ्री मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट देख लेते हैं। सो फॉर एग्जांपल हमें मैट्रिक्स दी गई है माइनस वन जीरो वन टू थ्री फोर माइनस वन वन एंड थ्री और हमसे इस मैट्रिक्स का ये ए मैट्रिक्स है और हमसे इसका डिटरमिनेंट पूछा गया है। तो सबसे पहले तो हम लोग हर एलिमेंट का को फैक्टर फाइंड करेंगे। सो ए वन वन हमारा होगा, ए वन वन हमारा ये एलिमेंट है तो हम सॉरी हम को फैक्टर्स फाइंड कर रहे हैं तो ये हमारा सी वन वन होगा। सी वन वन मतलब हम ए वन वन का को फैक्टर फाइंड कर रहे हैं। सो इस रो और इस कॉलम को हम लोग नेग्लेक्ट कर देंगे। सो हमारे पास बचेगा थ्री फोर वन एंड थ्री और इसका हम लोग डिटरमिनेंट जानते हैं कि थ्री इंटू थ्री माइनस वन इंटू फोर सो दिस विल बी नाइन माइनस फोर एंड दिस विल बी इक्वल्स टू फाइव। सिमिलरली अब हम लोग सी वन टू फाइंड करेंगे। सी वन टू हमारा ए वन टू हमारा जीरो है सो इस रो और इस कॉलम को हम लोग नेग्लेक्ट कर देंगे। सो हमें बेसिकली मिलेगा माइनस टू माइनस वन फोर एंड थ्री। इन दोनों रो और कॉलम को हमने नेग्लेक्ट कर दिया तो हमारे पास ये चार एलिमेंट्स बचे। सो इसका डिटरमिनेंट होगा टू इंटू थ्री विल बी सिक्स माइनस ऑफ माइनस फोर सो दिस विल बी टेन। दीज आर बेसिकली माइनर्स। इफ अगर हम लोगों को इनका को फैक्टर फाइंड करना है सो उसके लिए हम लोग यहाँ पे एक चेंज करेंगे कि को फैक्टर में एक माइनस वन रेज टू पावर वन प्लस वन और आ जाएगा सो दिस विल बी वन टाइम फाइव सो दिस विल बी फाइव। सी वन टू के केस में यह हमने एम वन टू फाइंड कर लिया। सी वन टू हमारा माइनस वन रेज टू पावर वन प्लस टू टाइम्स ऑफ एम वन टू होगा सो माइनस वन रेज टू पावर थ्री एंड एम वन टू हमने फाइंड कर लिया था हमारा टेन आया था सो सी वन टू हमारा माइनस टेन होगा। देन हम लोग सी वन थ्री फाइंड करेंगे। सी वन थ्री हमारा होगा माइनस वन रेज टू पावर वन प्लस थ्री टाइम्स ए वन थ्री हमारा ये वन एलिमेंट है दिस विल बी आर ए वन थ्री। सो इस रो और इस कॉलम को हम लोग नेग्लेक्ट करेंगे सो हमारे पास बचेगा टू थ्री माइनस वन एंड माइनस टू थ्री माइनस वन एंड वन। माइनस वन रेज टू पावर वन प्लस थ्री विल बी माइनस वन रेज टू पावर फोर
और इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू आएगी 2 इंटू 1 माइनस ऑफ 3 इंटू माइनस 1. सो दिस विल बी 1 टाइम्स 2 प्लस 3, सो दिस विल बी 5. सो बेसिकली हमारा C13 आ गया 5. अब हमें डिटर्मिनेंट फाइंड करना था A का. सो A के अगर हम लोग तो अब तक हम लोगों ने देख लिया था कि हम लोग कोफैक्टर्स कैसे निकालते हैं. सो बेसिकली हमने फर्स्ट रो के अलोंग सारे एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स निकाल लिए, C11, C12 एंड C13. सो अब हमें पता था बाय डेफिनेशन डिटर्मिनेंट ऑफ A, डिटर्मिनेंट ऑफ A हमारा होगा A11. हम किसी भी रो या किसी भी कॉलम को उठा के उसके रिस्पेक्टिव कोफैक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई करके उनका सम अगर कर देते हैं तो हमें डिटर्मिनेंट मिल जाता है. सो बेसिकली डिटर्मिनेंट ऑफ A विल बी A11 टाइम्स C11 प्लस A12 टाइम्स C12 प्लस A13 टाइम्स C13. सो ये हमारा बेसिकली आ जाएगा A11 हमारा था -1 टाइम्स C11 हमने कैलकुलेट किया था 5 प्लस A12 हमारा है 0, C12 हमारा है -10 प्लस A13 हमारा 1 है एंड C13 हमारा 5 है. सो बेसिकली ये हमारा -5 प्लस 0 प्लस 5, सो ये हमारा 0 आ गया. सो डिटर्मिनेंट ऑफ A हमारा यहाँ पे 0 आया. इसको हम लोग इस तरह से भी कर सकते थे कि हम डिटर्मिनेंट ऑफ A को A21 कर लेते, हम सेकेंड रो के अलॉन्ग भी इसको एक्सपेंड कर देते सकते थे, प्लस A22 टाइम्स C22 प्लस A23 टाइम्स C23. इसको हम लोग इस तरह से भी कर सकते थे. हम किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अलॉन्ग इसको एक्सपेंड कर सकते हैं और उसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर सकते हैं. सो बेसिकली हम लोग उस रो या उस कॉलम को चूज करते हैं जिस रो या जिस कॉलम में हमारे सबसे ज्यादा मैक्सिमम जीरोस होते हैं. तो हम इस केस में या तो इस रो को चूज कर सकते थे या इस कॉलम को चूज कर सकते थे. बेसिकली हम किसी भी रो या कॉलम को चूज कर सकते हैं, पर हम लोग मैक्सिमम जीरो वाले को इसलिए चूज करते हैं, जैसे कि आप लोगों ने यहाँ पे देखा कि अगर हमारे पास जितने मैक्सिमम जीरो होंगे उतनी हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाएगी, उतने टर्म्स हमारे कैंसिल हो जाएंगे. ये टर्म्स को हमें यहाँ पे हमें C12 कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं थी क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास जीरो था. तो जीरो को अगर हम लोग किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कराएं तो हमें जीरो ही मिलना है. सो यहाँ पे हम लोगों को केवल दो को फैक्टर कैलकुलेट करके ही हमारा काम चल सकता था. और अगर इसकी जगह हम कॉलम वन लेते हैं तो हमें यहाँ पे दो को फैक्टर्स कैलकुलेट करने पड़ते, तो जो कि थोड़ा टाइम टेकिंग होता है. इसलिए हम लोग मैक्सिमम जीरो वाली रो या कॉलम को चूज करते हैं. तो चलिए ये तो अब हमने बेसिक तरीका देख लिया डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करने का. अब डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करने का एक शॉर्टकट भी होता है जिसको कि सेरेस रूल के नाम से जाना जाता है. सो बेसिकली इसमें अगर हमें कोई भी एक मैट्रिक्स दी गई है और हमें उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, हमें n क्रॉस n की मैट्रिक्स दी गई है. सो बेसिकली फॉर एग्जांपल हम लेट कर लेते हैं कि हमें एक 3x3 की मैट्रिक्स दी गई है, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 एंड A33. सो बेसिकली हम n माइनस वन रोज को दोबारा से रिपीट करके लिखते हैं. तो बेसिकली हम यहाँ पे लिख लेंगे A11, A21, A31, A12, A22, A32. सो बेसिकली n माइनस वन रोज को सॉरी n माइनस वन कॉलम्स को हमने दोबारा रिपीट करके एज इट इज लिख दिया. इसको हमने यहाँ पे एज इट इज लिख दिया और इसको हमने यहाँ पे एज इट इज लिख दिया. अब हमें इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है. सो बेसिकली इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम लोग अपर टू लोअर डायगोनल लेंगे. सो ये हमारा पहला अपर टू लोअर डायगोनल हो गया.
ये हमारा सेकंड अपर टू लोअर डायगोनल हो गया और ये हमारा थर्ड अपर टू लोअर डायगोनल हो गया। सो हम इनका मल्टीप्लाई कर देंगे। सो बेसिकली ए वन वन, ए टू टू, ए टू थ्री प्लस सेकंड अपर डायगोनल दैट इज दिस डायगोनल। सो इसको हम लोग लिख लेंगे ए वन टू, ए टू थ्री, ए थ्री वन प्लस दिस इज आर थर्ड अपर डायगोनल। सो ये हमारा हो जाएगा ए वन थ्री, ये हमारा हो जाएगा ए वन थ्री टाइम्स ए टू वन टाइम्स ए थ्री थ्री। ये तो हमारे तीनों अपर डायगोनल्स हो गए। अब हम हमारे लोअस्ट डायगोनल्स लेंगे, बस उसको हम लोग ऐड करने की जगह सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो बेसिकली हमारा हो जाएगा माइनस ए थ्री वन, ए टू टू, ए वन थ्री माइनस ए थ्री टू, ए टू थ्री, ए वन वन माइनस ए थ्री थ्री, ए टू वन, ए वन टू। तो हम लोग ये एक शॉर्टकट होता है डिटरमिनेंट फाइंड करने का, इससे हम लोग बहुत आसानी से ही डिटरमिनेंट फाइंड कर सकते हैं। सो बेसिकली अब हम देख लेते हैं, जैसे कि हमने हमारा पिछला क्वेश्चन लिया था जो कि था माइनस वन टू माइनस वन जीरो थ्री वन एंड वन फोर थ्री। सो बेसिकली हम इसका डिटरमिनेंट फाइंड कर रहे थे। सो अब हम सेरेस रूल से इसका डिटरमिनेंट कैलकुलेट करके देखते हैं। सो सबसे पहले मैं यहाँ पे माइनस वन टू माइनस वन, फर्स्ट कॉलम को हमने एज इट इज रिपीट कर दिया, देन हम लोग सेकंड कॉलम को रिपीट करेंगे जीरो थ्री वन। अब हम लोग डायगोनल्स का मल्टीप्लीकेशन करा के उनको ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो बेसिकली हमारा फर्स्ट डायगोनल हो गया माइनस वन थ्री एंड थ्री, सो इसका प्रोडक्ट आएगा माइनस नाइन प्लस ये हमारा जीरो फोर एंड माइनस वन। ये हमारा सेकंड अपर टू लोअर डायगोनल है, सो इसका प्रोडक्ट हमारा जीरो आएगा। फिर हम लोग थर्ड डायगोनल की तरफ चलेंगे जो कि है वन टू एंड वन, सो इसका प्रोडक्ट आएगा टू। देन अब माइनस साइन लगा के हम लोग लोअर टू अपर डायगोनल वाले साइड चलेंगे, सो ये बेसिकली हो जाएगा माइनस वन थ्री एंड वन, सो ये हमारा आएगा माइनस वन थ्री एंड वन का प्रोडक्ट हमारा आएगा माइनस थ्री। एंड सिंस हमें इसको सब्ट्रैक्ट करना है तो ये हमारा हो जाएगा प्लस थ्री। देन सिमिलरली हम लोग आगे बढ़ेंगे वन फोर एंड माइनस वन, सो इसका प्रोडक्ट आ जाएगा माइनस फोर। और सिंस हमें इसको सब्ट्रैक्ट करना है सो माइनस फोर को अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसको हम लोग प्लस फोर भी लिख सकते हैं। देन हम लोग थर्ड लोअर टू अपर डायगोनल की तरफ चलते हैं जिसमें कि एलिमेंट्स है हमारे थ्री टू और जीरो, सो इसका अगर हम लोग प्रोडक्ट लेंगे तो ये जीरो आएगा, सो बेसिकली ये हमारा माइनस जीरो हो जाएगा। अब हम लोग इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, माइनस नाइन ये हो गया, जीरो को ऐसे ही रहने देते हैं, टू प्लस थ्री हमारा फाइव हो गया और फाइव प्लस फोर हमारा नाइन हो गया, सो ये हमारा जीरो आ गया। तो चाहे हम लोग कन्वेंशनल मेथड से डिटरमिनेंट फाइंड करें और चाहे हम लोग सेरेस रूल का इस्तेमाल करके डिटरमिनेंट फाइंड करें, दोनों ही केसेस में आंसर सेम आता है। चलिए मैं अब आपको एक क्वेश्चन देता हूं सॉल्व करने के लिए, आप उसका डिटरमिनेंट फाइंड करके दिखाएं। आप लोगों को वैल्यू फाइंड करनी है वन माइनस वन फोर टू थ्री वन फोर जीरो जीरो। मैं आप लोगों को दो मिनट का टाइम देता हूं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। चलिए होप सो आप लोगों ने इसका सॉल्यूशन सॉल्व कर लिया होगा अभी तक। चलिए अब मैं इसको सॉल्व करके दिखा देता हूं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसको कन्वेंशनल मेथड से सॉल्व करते हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला था कि हम लोग उस रो या उस कॉलम को चूज करते हैं जिसमें कि मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज हो। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं हमारे थर्ड कॉलम में मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज है जो कि दो है, सो हम लोग इसके अलोंग हमारा डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे। सो बेसिकली एक्सपेंडिंग अलोंग C3,
सो बेसिकली हमारा C3 क्या लॉग, तो C3 का हमारा फर्स्ट एलिमेंट है 4, और 4 का कोफैक्टर हम लोग फाइंड कर लेते हैं। सो जो कि बेसिकली होगा -1 3 4 1 टाइम्स 0, और इसका कुछ कोफैक्टर आएगा +0 टाइम्स इसका कुछ कोफैक्टर आएगा। सिंस यहाँ पे 0 के साथ मल्टीप्लाई है तो इसकी कुछ भी वैल्यू आ जाए लेकिन इसका टोटल प्रोडक्ट तो 0 ही आना है, इसलिए इसको हम लोग डायरेक्टली 0 लिख सकते हैं, 0 + 0। अब यहाँ पे ये तो हमारा माइनर हो गया, और कोफैक्टर के लिए हम लोग -1 रेज टू पावर, ये हमारा a 1 3 है। सो दिस विल बी -1 रेज टू पावर 1 + 3। सो हमारा -1 रेज टू पावर 4 टाइम्स 4, और इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ जाएगी -1 टाइम्स -1 एंड -12। -1 × 1 = -1 and 3 × 4 will be 12, एंड वी और यहाँ पे हम लोग एक निगेटिव साइन भी लगाएंगे। सो -1 × -12, सो -1 रेज टू पावर 4 हमारा 1 हो गया, × 4 × -1, और -12 हमारा -13 हो गया। सो इसका आंसर आ गया हमारा -52। ये तो हो गया हमारा कन्वेंशनल मेथड से। अब हम लोग इसको सेरेस रूल के थ्रू भी सॉल्व कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग ले, अब यहाँ पे हम लोग कॉलम 1 और कॉलम 2 को दोबारा रिपीट करके लिखेंगे, 1 - 1 4 2 3 1। अब हम लोग इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं बाय सेरेस रूल। सो सेरेस रूल के लिए बेसिकली हम लोग डायगोनल्स का मल्टीप्लाई करेंगे। सो सबसे पहले पहला अपर टू लोअर डायगोनल हमने लिया, इसमें के एलिमेंट्स आए 1 3 एंड 0, सो इसका प्रोडक्ट हमारा हो गया 0। देन सेकंड अपर टू लोअर डायगोनल हमने लिया, सो जिसमें के एलिमेंट्स आए 2 0 एंड 4, दोबारा से इसमें 0 आ गया इसलिए इसका प्रोडक्ट फिर से 0 हो जाएगा। देन थर्ड अपर टू लोअर डायगोनल हम लोग लेंगे जो कि होगा 4 -1 एंड 1, सो इसका प्रोडक्ट आएगा -4। अब हम लोग लोअर टू अपर डायगोनल लेंगे, सो इसमें एलिमेंट्स हमारे आएंगे 4 3 एंड 4, सो इसका हमारा प्रोडक्ट हो गया 4 × 3 हमारा 12 होगा, × 4 = 48। सिंस ये लोअर टू अपर डायगोनल ले रहे हैं तो इसको माइनस के साथ 48 लिखेंगे। देन सेकेंड लोअर टू अपर डायगोनल, इसके एलिमेंट्स हैं 1 0 एंड 1, सो अगेन इसका प्रोडक्ट 0 आ गया। एंड थर्ड लोअर टू अपर डायगोनल हम लोग लेंगे, इसके एलिमेंट्स हैं 0 -1 एंड 2, सिंस इसमें दोबारा से 0 आ गया सो इसका प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। अब इसको कैलकुलेट करके हम लोग देख सकते हैं -4 एंड -48 will be -52, सो हमारे डिटरमिनेंट की वैल्यू -52 होगी। हमने दोनों ही तरीके से देख लिया बाय कन्वेंशनल मेथड एंड बाय सेरेस रूल, हमारे डिटरमिनेंट की वैल्यू -52 ही आ रही है। चलिए अब कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट डिस्कस कर लेते हैं। सो बेसिकली हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है दी वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड इफ वी इंटरचेंज द रोज विद द कॉलम्स। सो बेसिकली अगर हम किसी भी रो को उसके कॉलम के साथ अगर हम लोग चेंज कर देते हैं तो हमारा डिटर्मिनेंट में कोई भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं आएगा। सो बेसिकली इफ वी R1 और C1 को अगर हम लोग चेंज कर देते हैं आपस में, तब भी हमारे जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू होगी
वो हमारे इनिशियल डिटरमिनेंट के बराबर होगी। चलिए अब सेकंड प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी हमारी है इफ टू रोज और कॉलम्स आर इंटरचेंज्ड देन द साइन ऑफ डिटरमिनेंट विल बी चेंज्ड। इस प्रॉपर्टी का कहना यह है कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग डिटरमिनेंट फाइंड कर रहे थे एक मैट्रिक्स का, जैसे कि हमने A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, इसका डिटरमिनेंट लेट अस सपोज डेल्टा आता है, और अगर हम लोग किसी भी दो रोस या दो कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज कर लें, फॉर एग्जांपल हमने C2 और C3 को आपस में इंटरचेंज कर लिया, C2 इंटरचेंज विद C3, अगर हम ऐसा कर लेते हैं तो हमारे पास डिटरमिनेंट आएगा A11, A21, A31, A12, A22, A32, A13, A23, A33। ये तो हमारा इनिशियल था। अब अगर हमने इसको आपस में इंटरचेंज कर दिया, सो हमारा कॉलम थर्ड पहले आ जाएगा और कॉलम सेकंड हमारा बाद में चला जाएगा। सो बेसिकली हमारा बचेगा A13, A23, A33, A12, A22, A23। सो इस डिटरमिनेंट की जो वैल्यू होगी वो हमारी इनिशियल डिटरमिनेंट की वैल्यू के बराबर ही होगी, बस उसका साइन रिवर्स हो जाएगा। सो फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे डिटरमिनेंट की वैल्यू डेल्टा थी तो यहाँ पे माइनस ऑफ डेल्टा हो जाएगी। इसका प्रूफ आप लोग दोनों डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करके देख सकते हैं। इफ वी एक्सपेंड अगर हम लोग कर दें बोथ डिटरमिनेंट्स को, सो हम देख सकते हैं कि दोनों डिटरमिनेंट्स की वैल्यू एक दूसरे के निगेटिव में हो। चलिए ये तो हमारी दो प्रॉपर्टीज हो गई। अब हम लोग थर्ड प्रॉपर्टी की तरफ पढ़ते हैं। प्रॉपर्टी नंबर थर्ड, द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट विल बी जीरो इफ एनी टू रोज और कॉलम्स आर आइडेंटिकल। इस प्रॉपर्टी के कहने का अनुसार यह है कि हम अगर किसी भी डिटरमिनेंट की दो रोस, कोई भी दो रोस या कोई भी दो कॉलम आइडेंटिकल हो जाती है तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो होगी। फॉर एग्जांपल अगर हमारे कुछ इस तरह की मैट्रिक्स बन गई A1, A2, A3, B1, B2, B3 एंड B1, B2, B3, सो यहाँ पे B1, B2 और B3 की चाहे कोई भी वैल्यू होगी, इसका डिटरमिनेंट हमेशा ही जीरो आएगा। सो ये हो गई हमारी प्रॉपर्टी नंबर थर्ड कि अगर कोई भी दो रो या कॉलम आइडेंटिकल हो जाते हैं तो उनका डिटरमिनेंट हमेशा ही जीरो होता है। चलिए अब प्रॉपर्टी नंबर फोर डिस्कस कर लेते हैं। प्रॉपर्टी नंबर फोर कहती है अ कॉमन फैक्टर ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इन ए रो और कॉलम कैन बी टेकन आउट। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग एक डिटरमिनेंट फाइंड कर रहे हैं इसमें कि हमारी वैल्यूज है MA1, MA2, MA3, B1, B2, B3,
सी वन सी टू एंड सी थ्री। सो यहां पे हम देख सकते हैं कि हमारे पहले कॉलम में m वैल्यू हर उस एलिमेंट में कॉमन है, सो हम m को कॉमन लेके बाहर निकाल सकते हैं। सो m हमारा बाहर आ जाएगा और हमारा अंदर डिटरमिनेंट बचेगा a1 a2 a3 b1 b2 b3 एंड c1 c2 c3। इसको हम लोग इस तरह से प्रूफ भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग कॉलम वन के अलोंग इसको एक्सपेंड कर दें, सो हमें मिलेगा एम ए वन, देन इसका कोफैक्टर सिंस ये ए वन वन है सो माइनस वन रेस टू पावर माइनस वन, यहाँ पे इसके लिए हम लोग माइनस वन रेस टू पावर वन प्लस वन करेंगे। देन डिटरमिनेंट ऑफ बी टू बी थ्री सी टू सी थ्री प्लस, जैसे कि अगर यहाँ पे एक और आप लोगों को शॉर्टकट बता देता हूँ, हम लोग माइनस वन रेस टू पावर वन प्लस वन करते हैं। सो बेसिकली ये बाय डिफॉल्ट होता है कि इसकी वैल्यू प्लस वन आएगी, इसकी वैल्यू माइनस वन आएगी, इसकी वैल्यू वन आएगी। सो बेसिकली अल्टरनेट वन एंड माइनस वन होता है। सो डायरेक्टली माइनस वन रेस टू पावर आई प्लस जे करने की जगह हम लोग वन माइनस वन वन माइनस वन वन माइनस वन वन माइनस वन एंड वन अलॉन्ग विथ दिस कोफिशियंट हम लोग लिख सकते हैं। सो बेसिकली यहाँ पे यस हमारा सेकेंड एलिमेंट ये वन था, सो ये हमारा माइनस वन होगा। सो डायरेक्टली हम लोग कॉन्स्टेंट के साथ लिख सकते हैं माइनस एम टाइम्स ए टू डिटर्मिनेंट ऑफ बी वन सी वन बी थ्री सी थ्री प्लस, अगेन ये वन था ये माइनस वन था ये वन होगा, सो एम ए थ्री टाइम्स बी वन सी वन बी टू सी टू। अब हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि ये बेसिकली एडिशंस है, तो एडिशन में हम लोग m कॉमन ले सकते हैं। सो हमने m कॉमन ले लिया और यहाँ पे हमारा बचा a1 वन डिटर्मिनेंट ऑफ बी टू सी टू बी वन सी थ्री सॉरी बी थ्री सी थ्री, यहाँ पे हमारा b3 होगा माइनस a2 टू बी वन सी वन बी थ्री सी थ्री प्लस a3 थ्री बी वन सी वन बी टू सी टू। सो ये डिटरमिनेंट हमारा बेसिकली हो गया, ये बेसिकली हमारा डिटरमिनेंट है ऑफ ए वन ए टू ए थ्री बी वन बी टू बी थ्री सी वन सी टू एंड सी थ्री। इसको हम लोग इस तरह से तो लिखते ही थे, इस डायरेक्शन में तो हम लोग इसको लिखते ही थे, अब इस डायरेक्शन में भी हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं क्योंकि ये दोनों बराबर है। सो ये हो गई हमारी प्रॉपर्टी नंबर फोर। अब हम लोग चलते हैं प्रॉपर्टी नंबर फाइव की तरफ। सो प्रॉपर्टी नंबर फाइव इज बेसिकली एडिशन। फॉर एग्जांपल अगर हमें दे रखा है कि हमारे पास दो डिटरमिनेंट है ए वन ए टू ए थ्री बी वन बी टू बी थ्री सी वन सी टू सी थ्री एंड सेकेंड डिटरमिनेंट हमारा है लैम्डा वन लैम्डा टू लैम्डा थ्री बी वन बी टू बी थ्री सी वन सी टू सी थ्री। सो बेसिकली अगर दो डिटरमिनेंट में कोई भी दो कॉलम या कोई भी दो रो सेम आ जाती है तो तीसरी कॉलम या रो को हम लोग अगर कॉलम सेम है तो कॉलम को ऐड कर सकते हैं और अगर रो सेम है दो तो जो बची तीसरी रो है उसको हम लोग ऐड कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं हमारे दो कॉलम आइडेंटिकल है तो हम तीसरे कॉलम को ऐड कर सकते हैं। सो बेसिकली इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं ए वन प्लस लैम्डा वन ए टू प्लस लैम्डा टू ए थ्री प्लस लैम्डा थ्री बी वन बी टू बी थ्री सी वन सी टू सी थ्री। ये हो गई हमारी प्रॉपर्टी नंबर फाइव।
अब हम लोग पढ़ते हैं हमारी प्रॉपर्टी नंबर सिक्स की तरफ। प्रॉपर्टी नंबर सिक्स हमारी कहती है वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड इफ एनी रो और कॉलम इज मल्टीप्लाइड बाय अ नंबर और एक्सप्रेशन एंड एडेड टू अनदर रो और कॉलम। सो बेसिकली अगर हम किसी भी रो, फॉर एग्जांपल आयत रो में जेथ रो को ऐड कर दें एक किसी भी कांस्टेंट फैक्टर से मल्टीप्लाई करके, तो हमारे जो डिटरमिनेंट की वैल्यू होगी वो रिमेन अनचेंज्ड रहती है। इसको हम लोग कॉलम की तरह भी करके देख सकते हैं कि सी आई कैन ऑल्सो बी चेंज टू सी आई प्लस जे टाइम्स सी आई, लेट्स दिस कॉन्स्टेंट टेक बी लैम्डा बिकॉज यहाँ पे हमारे पास दो जे हो रहे थे, लैम्डा सी जे, और आई और जे की कुछ भी वैल्यू हो सकती है एंड लैम्डा की भी कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं हम लोग। सो बेसिकली लेट अस टेक, अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स दी गई है A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3, तो हम किसी भी रो को, फॉर एग्जांपल हम सेकंड रो ले लेते हैं और उसमें थर्ड कॉलम के साथ एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। सो इसको हम लोग कुछ इस तरह से लिखेंगे कि हमने रो सेकंड को रो सेकंड प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ रो थ्री लिख कर दिया। सो इससे हमारा डिटरमिनेंट जो आएगा वो होगा रो वन तो हमारी सेम रहेगी, रो टू भी हमारी सेम रहेगी, सॉरी रो थ्री भी हमारी सेम रहेगी, केवल रो टू हमारी चेंज हो रही है। तो रो टू विल बी आर रो टू प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ रो थ्री, सो लैम्डा ए थ्री बी टू प्लस लैम्डा बी थ्री प्लस सी टू प्लस लैम्डा सी थ्री। फॉर एग्जाम्पल ये हमारा डेल था और ये हमारा डेल डैश हो गया। सो हमने एडिशन में देखा था कि अगर दो रोस या दो कॉलम्स को सेम रखते हुए हम तीसरी कॉलम या तीसरे रो को एडिशन के हिसाब से तोड़ सकते हैं। सो इसको हम लोग कुछ इस तरह से भी ले सकते हैं A1, B1, C1, A2, B2, C2, A3, B3, C3 एंड प्लस A1, B1, C1, लैम्डा A2, लैम्डा A3, ये हमारा होगा A1, B1, C1, लैम्डा A2, लैम्डा B2, लैम्डा C2, A3, B3, C3। अब जैसा कि हम देख सकते हैं ये तो हमारा इनिशियल डेल्टा के बराबर हो गया। सो इसको हम लोग डेल्टा लिख लेते हैं, ये हमारा डेल्टा हो गया प्लस इसमें से अगर सेकंड रो से हम लोग लैम्डा कॉमन निकाल लें तो हमारे पास बचेगा लैम्डा टाइम्स ऑफ ए वन, सॉरी लैम्डा टाइम्स ऑफ ए वन बी वन सी वन ए टू बी टू सी टू ए थ्री बी थ्री सी थ्री। सॉरी एक माइनस है, मिस्टेक हो गई है यहाँ पे हमारा ए टू बी ए थ्री बी थ्री एंड सी थ्री होगा, सिंस यहाँ पे हमारा ए थ्री बी थ्री और सी थ्री था।
सो ये हमारा हो जाएगा लैम्डा टाइम्स ऑफ ए वन बी वन सी वन, ए थ्री बी थ्री सी थ्री एंड ए थ्री बी थ्री सी थ्री। हमने पहले प्रॉपर्टी में डिस्कस किया था कि अगर कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम आइडेंटिकल हो जाते हैं तो उसका डिटरमिनेंट हमेशा जीरो होता है। सो ये वैल्यू हमारी जीरो को टेंड कर जाएगी। सो बेसिकली यहाँ पे हमारा डेल्टा प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ जीरो मिलेगा जो कि होगा डेल्टा। सो इस प्रॉपर्टी को अभी हमने प्रूफ देख लिया कि अगर कोई भी दो रो, अगर हम लोग किसी भी रो को किसी और रो के से एक सिंपल फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करा के ऐड कराते हैं तो हमारा डिटरमिनेंट अनचेंज्ड रहता है। चलिए अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं। बेसिकली तीन बेसिक डिटरमिनेंट होते हैं जिनका इस्तेमाल आप लोगों को कई बार क्वेश्चंस करने को मिलेगा, तो मैं प्रेफर करूंगा कि इन तीन की वैल्यूज आप याद कर लें। पहला है 1x x स्क्वायर, 1y y स्क्वायर, 1z and z स्क्वायर। इसकी वैल्यू होती है x माइनस वाई, वाई माइनस जेड एंड जेड माइनस एक्स। ये हमारा पहला डिटरमिनेंट होता है। सेकंड हमारा होता है 1x x क्यूब, 1y y क्यूब, 1z and z क्यूब। इसकी वैल्यू होती है x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स टाइम्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड। थर्ड हमारा होता है 1x स्क्वायर x क्यूब, 1y स्क्वायर y क्यूब, 1z स्क्वायर z क्यूब। इस डिटरमिनेंट की वैल्यू होती है x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स टाइम्स एक्स वाई एक्स जेड प्लस जेड एक्स। ये तीन डिटरमिनेंट आपको कई बार क्वेश्चंस में देखने को मिलेंगे, तो मैं प्रेफर करूंगा कि आप इसको याद कर लें। क्या क्लास में मैं आपको पहले का प्रूफ दिखाऊंगा और बाकी दो के प्रूफ आपको डीपीपी के क्वेश्चंस में मिल जाएंगे। सो बेसिकली हम लोग फर्स्ट वन का प्रूफ देख लेते हैं। पहला वन था 1x x स्क्वायर, 1y y स्क्वायर, 1z z स्क्वायर। सो यहाँ पे बेसिकली हम लोग प्रॉपर्टीज का यूज करेंगे। सो सबसे पहले हमने देखा था कि अगर हमारे पास जीरोस होते हैं तो हमारा डिटरमिनेंट एक्सपेंड करना बहुत ही आसान हो जाता है। सो यहाँ पे बेसिकली हम लोग रो टू को, सॉरी, अगर हम लोग कॉलम टू को कॉलम वन के साथ सब्ट्रैक्ट कर दें सो यहाँ पे हमें जीरो मिल जाएगा, और कॉलम थ्री को भी अगर हम लोग कॉलम वन के साथ सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमें जीरो मिल जाएगा और हमारा डिटरमिनेंट एक्सपेंड करना बहुत ही आसान हो जाएगा इन स्पाइट ऑफ अगर हम लोग डायरेक्ट डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करें। सो इसको हम लोग कुछ इस तरह से लिख सकते हैं 1x x स्क्वायर। सो बेसिकली c2 को हम लोग c2 माइनस c1 कर रहे हैं एंड c3 को हम लोग c3 माइनस c1 कर रहे हैं। सो ये हो गया 1x x स्क्वायर। सिंस c2 को c1 से माइनस कर दिया तो यहाँ आएगा 0, y माइनस x, y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, यहाँ पे 0, z माइनस x एंड z स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। अब जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे हमारे दो जीरोस क्रिएट हो चुके हैं। सो बेसिकली अगर हम लोग देखें सो ये हमारा x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर है। सो इसको फैक्टराइज करके हम लोग x प्लस वाई और x माइनस वाई के टर्म्स में लिख सकते हैं। सो यहाँ हमारा जीरो आ गया, यहाँ हमारा x माइनस वाई आ गया और यहाँ पे हमारा y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर आ गया जो कि बेसिकली y माइनस x और y प्लस x के बराबर होता है। सो बेसिकली हम लोग देख सकते हैं यहाँ से हमें y माइनस x कॉमन मिल रहा है। सिमिलरली यहाँ पे हम से हमें z माइनस x कॉमन मिल रहा है। सो हम लोग इसको कॉमन ले लेते हैं। सो हमारा आ जाएगा y माइनस एक्स हमारा कॉमन आ गया कॉलम टू से और z माइनस एक्स हमारा कॉमन आ गया कॉलम थ्री से। सो हमारे पास फाइनली बचा 1x
एक्स स्क्वायर जीरो वन वाई प्लस एक्स जीरो वन एंड जेड प्लस एक्स। अब इसको फर्दर हम लोग और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अगर हम कॉलम थ्री में से कॉलम थ्री माइनस कॉलम टू कर दे तो हमारे पास बचेगा ये x माइनस वाई, वाई माइनस एक्स और z माइनस एक्स तो हमारा ऑलरेडी कॉमन था। यहाँ पे हमारा बचेगा वन एक्स एक्स स्क्वायर जीरो जीरो वन एक्स प्लस वाई और यह हमारा बचेगा जीरो एंड z माइनस वाई। सो बेसिकली अब हमारे पास तीन जीरोज आ चुके हैं। अब अगर हम लोग इसमें और जीरोज बनाना चाहें तो जो कि पॉसिबल नहीं होगा, सो बेसिकली अब हम लोग इसको एक्सपेंड कर देंगे। सो यहाँ से हमें मिल जाएगा वाई माइनस एक्स जेड माइनस एक्स, ये हमारा कॉमन था। और अब हम लोग रो वन के अलोंग एक्सपेंड कर देते हैं, सो वन हमारा बाहर आएगा और इन चार वैल्यूज के डिटर्मिनेंट की वैल्यू बचेगी। सो वन इंटू जेड माइनस वाई विल बी जेड माइनस वाई एंड जीरो टाइम्स एक्स प्लस वाई विल बी जीरो। सो इसको हम लोग नेग्लेक्ट कर सकते हैं। सो यहाँ पे हमारी वैल्यू आ गई y माइनस एक्स जेड माइनस एक्स एंड z माइनस वाई। इसको हम लोग इंटरचेंज करके इस तरह से भी लिख सकते हैं x माइनस वाई, एक निगेटिव साइन कॉमन ले लिया हमने और इसको इस साइड मल्टीप्लाई करा दिया। सो y माइनस जेड टाइम z माइनस एक्स। सो हमने प्रूफ कर दिया कि इसकी वैल्यू x माइनस वाई y माइनस जेड और z माइनस एक्स के बराबर होती है। अब बाकी के दो प्रूफ्स आप लोग खुद से ट्राई करिएगा और ये दोनों क्वेश्चंस आपको डीपीपी में भी मिल जाएंगे। तब तक के लिए ओके बाय।